Hey guys, तो आज मैंने और मम्मा ने सेम सेम कपड़ा पहना है। हमने ट्विनिंग किया आज। अब मदर और डॉक्टर कितनी अच्छी जोड़ी है, तो हम सेम कपड़े पहन रहे हैं, वो भी रेड चेक शर्ट वाले। रेड चेक शर्ट तो मेरा फेवरेट है। मेरे पास और भी बहुत सारे फेवरेट कलर्स भी हैं। मुझे भी बोलने दो। बहुत सारे लोगों ने ऐसा बोला कि रेनबो केक बनाओ, तो आज मैं आपके लिए लेके आ रही हूँ रेनबो केक रेसिपी। तो ये कोई चैलेंज नहीं है। अब हम लोग ये रेसिपी क्यों ला रहे हैं, आपने दो दो रीजंस के सुनाए, कुछ दो एकदम खुशियां भरी अच्छी चीजें। नहीं नहीं, बताना नहीं, वो तो आपको कमेंट करके गेस करना है। हाँ, एक तो बता दो। कौन सा वाला बताऊं, वो वाला या वो वाला? छोटा वाला बता दो, बड़ा वाला रहने दो, कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, तो अभी लेटेस्ट हमारे इंस्टा पे पहुंच गए हैं 10,000 फॉलोअर्स। थैंक यू गाइस आपके लव और सपोर्ट के, जैसे हम लोग इतना दूर तक पहुंच पाए 10K फॉलोअर्स। और दूसरा क्या है खुशी की बात, वो तो आपको पता होगा और कमेंट करके जरूर बताना। हिंट, उसका डेट भी आपको बताना है, मतलब डेट बताना हो हिंट, लेकिन आपको बताना भी है। हाँ, तो चलिए हम फटाफट केक बनाना शुरू करते हैं। ये केक बनाना बहुत ही आसान है और सबका अभी बर्थडे आ रहा है। ये केक बहुत ही आसानी से आप घर में बना सकते हो। वो भी एगलेस है और ओवन भी नहीं चाहिए इसमें। आज हम बनाएंगे केक पैन में, तो चलिए हम फटाफट बनाते हैं। रेनबो केक बनाने के लिए ये मैंने लिया है 1/2 कप कंडेंस मिल्क, और इसमें मैं डाल रही हूँ 1/4 कप ऑयल। अभी इसको हम मिला लेंगे अच्छे से। ये हमने मिला लिया इसको अच्छे से, और इसमें मैं डाल रही हूँ 1/4 कप शुगर पाउडर, पिसी हुई चीनी, इसको भी हम मिला लेंगे अच्छे से। तो ये देखिए मिक्स हो गया अच्छे से। ये 1 कप मैदा लिया हमने, इसको छान लेंगे अच्छे से। 1 छोटी चम्मच बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, ये हम सारी चीज़ों को एक बार अच्छे से मिला लेंगे। और ये हमने लिया है 1/2 कप मिल्क, तो हम थोड़ा थोड़ा मिल्क डाल के इसको अच्छे से बैटर बनाएंगे। थोड़ा थोड़ा दूध हम डालेंगे, एक साथ नहीं डालेंगे, जिससे इसमें लम्स ना बने। इसको अच्छे से हम मिलाते जाएंगे। थोड़ा सा दूध और डाल के हम मिलाएंगे। तो ये देखिए हमारा बैटर रेडी हो गया है। अब इसमें मैं डाल रही हूँ 1 छोटी चम्मच में वनीला एसेंस फ्लेवर के लिए, और इसको भी हम अच्छे से मिला लेंगे। ये बिल्कुल परफेक्ट बन गया है। तो ये हमने जो बैटर बनाया है इसको 4 पार्ट में डिवाइड कर लिया, क्योंकि हम रेनबो केक बना रहे हैं तो हमको कलर मिक्स करना है। तो इसमें मैं डाल रही हूँ ब्लू, येलो, ग्रीन और पिंक। आप अपनी फेवरेट कलर, जो भी आपको पसंद है वो कलर ले लीजिए, और इसको हम चम्मच से अच्छे से मिला लेंगे। आज मैं केक बनाऊंगी पैन में, और ये एगलेस भी है, तो ये हमारे सारे कलर मिक्स हो गए हैं। तो चलिए अब हम केक बनाना शुरू करते हैं। पैन हमारा गर्म है, इसमें जो जो कलर बना के रखे हैं एक एक करके हम इसको केक को इसमें बना लेंगे। तो सबसे पहले मैं इसमें डाल रही हूँ ब्लू। ब्लू डालने के बाद इसको हम थोड़ा सा ऐसे फैला लेंगे। गैस का फ्लेम हम लो ही रखेंगे, नहीं तो नीचे से जल जाएगा। और इसको कवर करके हम 2 से 3 मिनट तक अच्छे से पकने देंगे। तो 3 मिनट हो गया है, एक बार हम चेक कर लेते हैं। तो ये देखिए हमारा केक बहुत अच्छे से पक चुका है। तो इसको हम निकाल लेते हैं बाहर। तो ये हमने सारा केक का बेस बना के रेडी कर लिया है। तो केक तो हमारा रेडी है, चलिए अभी हम क्रीम बना लेते हैं केक को डेकोरेट करने के लिए। तो ये हमने लिया है 1 कप क्रीम, व्हिप्ड क्रीम है। हाफ कप शुगर पाउडर, 1/4 चम्मच वनीला एसेंस। अभी 2-3 मिनट हम और इसको व्हिप करेंगे। तो ये हमारी क्रीम बिल्कुल तैयार हो चुकी है।
तो सबसे पहले हमने जो ये केक बना के रखा है इसको एक साइज में हम काट लेंगे। तो ये देखिए हमने साइड का इसका काट लिया जो बड़ा था, सबको एक ही साइज में काट लेंगे इसी तरह। तो ये देखिए हमने सबको एक साइज में काट लिया है। चलिए अभी हम केक बनाते हैं। तो केक बनाने के लिए मैंने ये ले लिया है कार्डबोर्ड एक, आप इसकी जगह पे प्लेट भी ले सकते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे थोड़ा सा क्रीम लगा लेंगे, एक इस पे रखेंगे, तो इसके ऊपर से क्रीम लगा लेंगे और इसको हम फैला देंगे। इसके ऊपर दूसरा रखेंगे और इस पे भी हम क्रीम लगा देंगे। इसी तरह दूसरा पार्ट भी हम रख देंगे इसके ऊपर और इसी तरह से हम सब लगा लेंगे। तो बस अभी इसको हम चारों तरफ क्रीम से कवर कर देंगे। तो ये देखिए हमने इसको चारों तरफ से क्रीम से अच्छे से कवर कर लिया। अभी इसको हम 10 मिनट के लिए फ्रिज में रख देंगे, तब तक सेट हो जाएगा। ये हमने ले लिया है व्हाइट चॉकलेट, इसको छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है। अभी इसको हम 30 सेकेंड के लिए माइक्रोवेव करके मेल्ट कर लेते हैं। तो ये देखिए हमारा चॉकलेट मेल्ट हो चुका है। गरम मिल्क अच्छे से मिला लेंगे। अब इसमें मैं क्या करूँगी कि मैं इसको डिवाइड कर लूँगी 2-3 जगह। तो मैं इसमें मिला रही हूँ येलो कलर, दूसरे में मैं ले रही हूँ ग्रीन कलर और इसमें रेड कलर। तो सबको अच्छे से मिला लेंगे। तो इसको हम साइड में रख लेते हैं। एक ग्लास ले लिया, सबको पाइपिंग बैग में भर लेंगे। इसी तरह हम सारे अलग अलग भर लेंगे पाइपिंग बैग में। केक हमारा बहुत अच्छे से सेट हो चुका है। अभी इसको हम डेकोरेट कर लेते हैं। इसको यहाँ ऐसे थोड़ा सा डालेंगे। अभी इस तरह हम क्रीम, वाह कितना सुंदर लग रहा है अभी से ही। अब इसी तरह हम ऊपर से भी इसको ऐसे सजा लेंगे। अब इसके ऊपर से आप कुछ भी लगा सकते हैं। तो ये लीजिए हमारा रेनबो केक बन के रेडी हो चुका है। चलिए अभी हम काट के भी देख लेते हैं इसको। तो ये देखिए मैंने इसको काट के भी दिखा दिया, कितना बढ़िया अंदर से कलर आया है, सारे कलर अच्छे से दिख रहे हैं। तो वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना, सभी के साथ शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं आपको एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।